हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 19.2 पे हैं और कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से देखते हैं। क्या दिया हुआ है? इंटीग्रल निकालना है 2x का पावर 4 प्लस में 7x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर और बाई में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस का 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक काम करते हैं हम लोग, ऊपर देखिए क्या कॉमन है। ऊपर हम लोग कॉमन कर सकते हैं एक्स का स्क्वायर, तो क्या बचेगा अंदर देख लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन करने पे अंदर बच जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 6। और नीचे आप एक काम करो, यहां से x कॉमन कर लो, ठीक है? तो x कॉमन करोगे तो बच जाएगा यहाँ पे x प्लस का 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर। अब ऊपर इसका फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 6 कर लेते हैं। और नीचे आपका क्या है x इंटू में x प्लस का 2। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अब इसके बाद देखिए कॉमन करते हैं, ऊपर x स्क्वायर है, अंदर कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 2x, तो बच जाएगा x प्लस का 2 और प्लस का 3 कॉमन होगा x प्लस का 2 बचेगा, ठीक है? चलिए और नीचे क्या है आपका x इंटू में x प्लस का 2 है विथ रिस्पेक्ट। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बाद क्या हो जाएगा। ऊपर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस का 2 और इंटू में 2x प्लस का 3 और वाई में नीचे x इंटू में x प्लस का 2। चलिए देखिए यहां से x प्लस 2 x प्लस 2 कैंसिल, एक x से एक x कट जाएगा, एक x बचेगा और इंटू में बच जाएगा आपका 2x प्लस का 3 विथ रेस्पेक्ट टू। तो यहां से आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर और प्लस का 3x। यहां से इसको अलग अलग कर सकते हैं ना जी, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर 3 इंटू में इंटीग्रल ऑफ x। तो यहां से क्या हो जाएगा x का क्यूब और y में 3 और नॉर्मल ऐड करके पावर नीचे ला दिए और यहाँ पे x स्क्वायर और y में 2 और प्लस का c, यही इसका इंटीग्रल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।